हमारी प्यास के आगे समंदर हार जाएगा, हमें मालूम था एक दिन सितमगर हार जाएगा। अपनी तमाम पुलिस की लाठियां, बैरिकेटिंग, वाटर कैनन की बौछारों के बाद भी, नुकीले तारों के बाद भी, अपनी पूरी ट्रोल आर्मी लगा करके किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री जी को आज मजबूर होकर के कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। मैं उनके इस थके हारे हुए कदम का स्वागत करता हूं। इस देश के अन्नदाता ने यह बता दिया कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती, लोकतंत्र इस देश में चलेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान ही काफी नहीं है। आपको अपनी जिद की वजह से आपने जो सैकड़ों किसानों की जान ली है, उन किसानों से माफी मांगते हुए उनके परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान करिए, उन्हें शहीद का दर्जा दीजिए, क्योंकि इस देश के अन्नदाता ने आपकी एक जिद के चलते, सैकड़ों अन्नदाता किसानों ने अपनी जान गंवाई है। पहले दिन से राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े थे, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी। ऐसे में राहुल गांधी जी ने कभी पंजाब से ट्रैक्टर चला करके तो कभी पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर चला करके यह साबित कर दिया कि ट्रैक्टर से सिर्फ खेत नहीं जोते जाते, हुकूमतों के गुरूर भी जोते जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के इस थके हारे कदम का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि तमाम किसानों की जो जान गई है, उन परिवारों से देश के प्रधानमंत्री जी माफी मांगें।